आप सभी आंगनबाड़ी सेविका बहनों का स्वागत है आज के इस इम्पोर्टेंट वीडियो में। आज इस वीडियो में हम लोग जानेंगे पोषण ट्रैकर ऐप में ग्रोथ मॉनिटरिंग करने का सही तरीका क्या है, ग्रोथ मॉनिटरिंग हमें कितने दिनों के अंदर कर लेनी चाहिए और ग्रोथ मॉनिटरिंग करते समय हमें किन किन बातों का ध्यान रखना चाहिए। आज की ये वीडियो आप लोगों के लिए काफ़ी हेल्पफुल होगी। वीडियो को आप लोग शुरू से लेकर लास्ट तक ज़रूर देख लीजिएगा। तो चलिए वीडियो को शुरू करते हैं। जैसे कि अभी जून का महीना चल रहा है और जून का ये 7 तारीख है और यहाँ पे देख सकते हैं कि हमने यहाँ पे पूरा का पूरा 100% जो है कि ग्रोथ मॉनिटरिंग कंप्लीट कर लिया है। आपको बता दें कि हर महीने 1 से 7 तारीख के बीच में आपको जो है कि ग्रोथ मॉनिटरिंग कंप्लीट कर लेना चाहिए, क्योंकि 7 और 10 के बीच में आप लोगों को विभाग की ओर से एक लिस्ट जारी होता है जिसमें कि आपके द्वारा ग्रोथ मॉनिटरिंग कितना किया गया है उसका लिस्ट जारी होता है। तो कई सेविकाओं का क्वेश्चन रहता है कि हमारा जो ग्रोथ मॉनिटरिंग है वो विभागीय डैशबोर्ड पे शो नहीं करता है। तो देखिए, आप लोग 1 से लेकर 7 तारीख के बीच में अगर ग्रोथ मॉनिटरिंग कर लेते हैं तो आपका निश्चित है कि 100% आपका ग्रोथ मॉनिटरिंग आपका जो लिस्ट है उसमें भेजा जाएगा और आपको इंसेंटिव मिलने में कोई भी प्रॉब्लम नहीं आएगी। तो कोशिश कीजिए कि 1 से लेकर 7 तारीख तक हम ग्रोथ मॉनिटरिंग कंप्लीट कर लें, और अगर 1 से लेकर 7 तारीख तक आपका जो ग्रोथ मॉनिटरिंग है वो पूरा कंप्लीट नहीं होता है तो 8 तारीख 9 तारीख 10 तारीख के बीच में कंप्लीट ज़रूर कर लीजिए। लेकिन ध्यान ये रखना है कि हमें 7 तारीख के अंदर ही कंप्लीट कर लेना चाहिए, ठीक है। उसके बाद चलिए, अब कई सेविकाएँ जो है कि ग्रोथ मॉनिटरिंग करते समय कुछ गलतियाँ करती हैं। जैसे कि यहाँ पर हमारे पोषण ट्रैकर ऐप में 108 बच्चे हैं, तो कई सेविकाएँ ऐसी हैं कि एक ही दिन में जितने बच्चे हैं उन सभी का ग्रोथ मॉनिटरिंग कंप्लीट कर लेती हैं। तो ऐसा आपको बिल्कुल नहीं करना है। मान लीजिए कि आपके पोषण ट्रैकर ऐप में 100 बच्चे हैं या जितने भी बच्चे हैं उनका एक टारगेट लेके चलिएगा तो आपको पोषण ट्रैकर ऐप में ग्रोथ मॉनिटरिंग करने में आसानी होगी। जैसे कि मान लीजिए यहाँ पे 100 बच्चे हैं तो डेली हम 1 से लेकर 7 तारीख के बीच में कम से कम 15 बच्चों का यहाँ पे ग्रोथ मॉनिटरिंग हम लोग 1 से 7 तारीख के बीच में करते हैं, तो 7 तारीख तक हमारा जो है कि 100% जो ग्रोथ मॉनिटरिंग है वो कम्प्लीट हो जाएगा। और यहाँ पर जो पेंडिंग वाला ऑप्शन आप लोग देख रहे हैं तो हमें किसी भी बच्चों का ग्रोथ मॉनिटरिंग पेंडिंग नहीं रखना है, सभी के सभी ग्रोथ मॉनिटरिंग हमें कंप्लीट कर लेना है, ठीक है। तो इस प्रकार से आप लोग ग्रोथ मॉनिटरिंग कीजिएगा। और चलिए हम आपको बताते हैं कि अगर आप लोग ग्रोथ मॉनिटरिंग करने में आपको कोई परेशानी होती है, जैसे कि बच्चों का हम लोग हाइट वेट डाल रहे हैं तो हमें पता नहीं चल पा रहा है कि वो बच्चा सामान्य है या सैम में है या मैम में है, तो उसके लिए एक पोषण कैलकुलेटर का ऑप्शन दिया गया है जिससे कि आप सैम मैम बच्चों को और नॉर्मल बच्चों को आसानी से पहचान कर सकते हैं। तो चलिए, इसके लिए हम गूगल क्रोम के ब्राउज़र को ओपन कर लेते हैं, उस पर आपको अच्छी तरीके से समझा पाएँ। क्रोम ब्राउज़र में पोषण कैलकुलेटर लिख के सर्च कर लिया है, आपको भी इस प्रकार से सर्च कर लेना है पोषण कैलकुलेटर। इस प्रकार से आप सर्च करेंगे तो पोषण कैलकुलेटर का जो डैशबोर्ड है वो खुल के आ जाएगा और यहाँ पे आप आसानी से बच्चों का जो हाइट है वेट है आप लोग डाल के ईजिली चेक कर पाएंगे कि कौन सा बच्चा नॉर्मल में आएगा, कौन सा बच्चा सैम में जाएगा। इस प्रकार से आप लोग यहाँ पे उसका जो पोषण कैलकुलेटर का मापक है वो आप लोग यहाँ से WHO के अनुसार यहाँ पे आप लोग उसको देख पाएंगे। जैसे कि इसका जो लैंग्वेज है, सबसे पहले हम आपको हिंदी में कर लेते हैं, तो यहाँ पे हिंदी का ऑप्शन आ गया है, हमने यहाँ पे हिंदी डाल लिया है। उसके बाद यहाँ पे पोषण मापक का उपयोग कैसे करें इसके बारे में यहाँ पे कुछ नियम एवं शर्तें दी गई है। जैसे कि सबसे पहले हमें क्या करना है कि बच्चे का लिंग का चयन करना है कि वो बच्चा मेल है या फीमेल है। उसके बाद उस बच्चे का जन्मतिथि दर्ज करेंगे, फिर उसके बाद सेंटीमीटर में उसका जो हाइट है वो डालेंगे, उसके बाद उसका वज़न डालेंगे किलोग्राम में, फिर परिणाम दिखाए पर क्लिक करेंगे। तो आइए हम एक बच्चे का यहाँ पे हाइट वेट डाल के आपको दिखाते हैं। तो चलिए, अब हम किसी एक बच्चे का यहाँ पे डेट ऑफ बर्थ डाल के देखते हैं। जैसा कि यहाँ पे डेट ऑफ बर्थ यहाँ पे आपको एक बार टाइप करना है तो यहाँ पे एक कैलेंडर खुल के आ जाएगा। अब आप यहाँ से किसी भी बच्चे का डेट ऑफ बर्थ सिलेक्ट कर सकते हैं। तो यहाँ पे जिस बच्चे का आपको उसका कैलकुलेशन करना है उस बच्चे का डेट ऑफ बर्थ आप यहाँ पे डाल देंगे। डालने के बाद उसका जो हाइट है वो आप लोग यहाँ से घटा बढ़ा सकते हैं, ठीक है। तो यहाँ पे आपको उस बच्चे का हाइट सेट कर लेना है। तो चलिए, यहाँ पे हम इसका हाइट और वेट यहाँ पे सेट कर लेते हैं। तो उसके बाद आप यहाँ पे क्लिक करेंगे तो वो बच्चा किस स्थिति में है वो आपका यहाँ पे रिजल्ट शो कर देगा। जैसे स्टंटिंग भी नॉर्मल है
और अंडरवेट भी यहाँ पे नॉर्मल दिखाएगा, टेस्टिंग भी यहाँ पे नॉर्मल दिखा रहा है, यानी कि ये बच्चा पूरी तरीके से स्वस्थ है। तो इसी प्रकार से अगर बच्चे का हाइट वेट कैलकुलेट करने में प्रॉब्लम आ रही है तो आप लोग इस पोषण कैलकुलेटर का यूज़ कर सकते हैं, और इसका लिंक जो है मैं डिस्क्रिप्शन बॉक्स में दे दूँगा, वहाँ से डायरेक्टली क्लिक करके आप लोग इस वेबसाइट पर आ सकते हैं। और पोषण ट्रैकर ऐप से रिगार्डिंग आप लोगों को कोई भी प्रॉब्लम आ रही हो तो आप हमें कमेंट बॉक्स में पूछ सकते हैं, मैं उसका रिप्लाई देने की कोशिश ज़रूर करूँगा। तो आज के इस वीडियो में फिलहाल इतना ही। अगर आपको वीडियो पसंद आई हो तो वीडियो को लाइक कर दीजिएगा, यदि चैनल पर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब ज़रूर कर लीजिएगा। मिलते हैं फिर किसी और नए इन्फॉर्मेटिव वीडियो के साथ, तब तक के लिए आप सभी का हमारे साथ इस वीडियो में बने रहने के लिए बहुत बहुत धन्यवाद। जय हिंद।